जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। जैसा कि हम लोग कुछ इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। एक दूसरा इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है, कोई कंपाउंड जो होता है वो करंट फ्लो की वजह से वो आयंस में ब्रेक हो जाता है और जा करके डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। ये दूसरा इफेक्ट हो गया। एक तीसरा इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब जब करंट फ्लो करता है तो आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई मैग्नेट होता है, कोई चुंबक होता है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वैसा ही बिहेवियर कुछ ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो शो करता है। मतलब कोई कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो वो कुछ मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करता है। उसके आसपास अगर कोई कंपास नीडल रखें, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, अगर उसको रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है ना। तो उस एक्टिविटी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, या क्रिएट करता है या नहीं करता है, उस एक्टिविटी से ये प्रूफ हो जाता है। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, अमीटर है, बैटरी है, स्विच है ना। ये एक बड़ा सा मोटा सा कंडक्टर दिखाया गया है ना, ये येलो कलर का ये कंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, ब्लू कलर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है। ये हॉरिजॉन्टल है कंडक्टर के आसपास, और इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रखा गया है, ठीक है, कंपास नीडल रखा गया है। जब यहाँ से स्विच ऑन करके करंट फ्लो कराया जाता है तो देखा यह जाता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आता है ना। और जब डिफ्लेक्शन आता है तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो कंडक्टर है, इससे जब करंट फ्लो करता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल तो केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिफ्लेक्ट हो सकता है ना। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि करंट, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें जो है चार्जेज मूव करें, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होंगे जिसकी वजह से ये करंट फ्लो करता है। तो क्या हम इसे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मूविंग चार्जेज जो हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तब इस नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। लेकिन जब करंट फ्लो करने लगता है, यानी चार्ज मूव करने लगते हैं, तब यहाँ पर जा करके डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर चार्ज मोशन में होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक। अब ये कहेंगे कि अगर चार्ज जो है मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट तो एक जगह रखे हुए हैं, उनमें कोई करंट भी नहीं फ्लो करता है, फिर वो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे शो करते हैं, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो एक्चुअली में जो मैग्नेट्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का जो राज है वो भी यहीं पर छुपा हुआ है। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि हर मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, है ना। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो मोशन में है, और अभी हमने यहां पर क्या सीखा कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक। तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, वो खुद एक छोटे छोटे मैग्नेट जैसे बिहेव करते हैं, है ना। छोटे छोटे मैग्नेट जैसे बिहेव करते हैं, वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक। अब इसमें डाउट ये आएगा आपको कि एटम तो सारे मटेरियल में होते हैं, है ना, सारे मटेरियल में एटम होते हैं, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो सारे मटेरियल्स मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते, है ना। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जिनमें कि मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो
तो वो एक डायपोल जैसा बिहेव करता है, ऐसे समझ सकते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडिल जैसा बिहेव करता है वो। जो मैग्नेटिक नीडिल काम करता है वैसे ही कुछ वो भी काम करता है, एक छोटा सा मैग्नेट है वो, ठीक। तो किसी किसी मटेरियल में वो छोटे छोटे मैग्नेट्स जो हैं वो अपने आप को पैरेलल अलाइन कर लेते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो एक लार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बढ़ा रहा होता है, वो ऐड होते होते एक लार्ज मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो वैसे मटेरियल जिनमें ये छोटे छोटे मैग्नेट्स एक दूसरे के पैरेलल अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए वो मैग्नेट जैसे बिहेव करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें वो अलाइनमेंट हो नहीं पाता है, आर्बिट्री डायरेक्शन में रहता है वो, है ना। तो आर्बिट्री डायरेक्शन में रहता है तो एक का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, कहीं से किसी का नीचे है, तो सब कहीं ना कहीं दूसरे को कैंसिल करने लगते हैं, और इस तरह से वहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो पाता है। होता भी है तो इतना कम होता है कि हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो एक्चुअली में किसी मटेरियल के मैग्नेटिक बिहेवियर का जो राज है, जो सेक्रेट है, वो ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना, चार्जेज घूम रहे हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये तो मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाया मैंने उसको यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में लिख रखा है, आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, मैं एक बार पढ़ करके सुनाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, ये जो एक्टिविटी हमने किया उस एक्टिविटी का कंक्लूजन यहाँ पर बताया गया। क्या बताया गया कि कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर नियर कंपास नीडल, ठीक है। कंपास नीडल के पास में अगर करंट फ्लो करने लगता है किसी कंडक्टर से तो वो कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट होता है, है ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है, इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसके आगे आते हैं, कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर मूव कर रहे हैं, है ना, और उनके मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो क्या यहां से कह सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट मूविंग चार्जेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये कंक्लूजन हो गया। इसके आगे बताया द मेन सोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेट इज मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोशन ऑफ जस्ट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम व्हिच मैग्नेट्स आर मेड, है ना। जिस मटेरियल से भी मैग्नेट बनाए जाते हैं उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का सर्किल में घूमना, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का घूमना ही जो मेन सोर्स है मैग्नेटाइजेशन का या मैग्नेटिक बिहेवियर का, ये यहां पर हमने ये सीखा है। अभी तक हमने ये सीखा कि किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब हम लोग ये सीखेंगे कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए और कई सारी चीज़ें हमें जाननी होती है, जैसे कंपास नीडल होता है, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग दो तीन चीज़ें सीखने वाले हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंपास नीडल क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कंपास नीडल भी एक छोटा सा मैग्नेट जैसा होता है, है ना, अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए कि अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है ना, तो ये हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अपने आप को अलाइन करता है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कहीं छोड़ दिया जाए, ऐसे हवा में छोड़ दिया जाए, तो हमें पता है कि भले कोई मैग्नेटिक फील्ड हो या नहीं हो, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड हर जगह रहता है ना। अर्थ जो है एक बड़े से मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ऐसे हवा में इस नीडल को छोड़ देंगे तो ये रोटेट करके घूम फिर करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। जैसा कि यहाँ देखेंगे डायग्राम में मैंने दिखाया है कि ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है तो ये मैग्नेट बिल्कुल इसके पैरेलल अलाइन हो गया है, ठीक। तो कंपास नीडल का जो साइड नॉर्थ साइड में आता है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है और जो वाला एंड
साउथ साइड में आता है उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ठीक, अब कोई मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट के आसपास एक रीजन होता है ना, एक स्पेस होता है जहां पर इस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है ना। मैग्नेट के आसपास जब आप नीडिल को ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और अपने आप को जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन कर लेगा। ठीक, तो कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास एक ऐसा रीजन होता है जहां पर ये जो नीडिल है वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है ना। बहुत दूर चले जाएंगे तो ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकता उस मैग्नेटिक फोर्स को, इसलिए दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो गया। ठीक, तो मैग्नेट के आसपास जिस रीजन में ये नीडिल जो है मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का अपना स्ट्रेंथ होता है, अपनी इंटेंसिटी होती है, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फील्ड का, वहां पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो किसी पॉइंट पर जैसे कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के आसपास जो स्पेस होता है, जो रीजन होता है, उसके आसपास किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, है ना। जैसे देखेंगे यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट बनाया है, यहाँ पर ये बार मैग्नेट है और इसके आसपास जो है जैसे इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दिया, पेपर बिछा करके, है ना, पेपर बिछाया, उसके ऊपर मैग्नेट रख दिया और जो आयरन फिलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर छिड़क दिया, ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, और जिस बोर्ड पर, जिस टेबल पर आपने इसको रखा होगा उसको एक बार, एक दो बार ठोकेंगे तो क्या होगा, वो हिलेंगे डुलेंगे सारे, हिलने डुलने के बाद अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन कर लेते हैं, है ना। तो किस तरह से अलाइन करते हैं, एक पैटर्न बन जाता है, वो देखेंगे पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है ना। जैसे छोटे छोटे आयरन हैं, आयरन के टुकड़े हैं, तो कैसे अलाइन करते हैं, देखेंगे यहाँ पर ऐसे ये सब आप एक दूसरे की तरफ अलाइन हो गए, है ना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो पैटर्न बन रहा है एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक ये जो है ये आयरन फिलिंग्स है, अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगा, यहाँ इनको जोड़ेंगे तो लाइन बनेगा। ठीक है, ऐसे देखेंगे ये लाइन बन रहा है ना, ये सारे लाइन्स बन रहे हैं ऐसे। तो ये जो लाइन्स बन रहे हैं इन्हीं को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं इनको। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे ऐसे जा रहा है कुछ इस तरह से, ये लाइन्स दिख रही हैं हमें इधर भी ऐसे। तो ये एक तरह से पैटर्न बन रहा है। तो ये जो लाइन्स है एक्चुअली में इन्हीं को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। किसी भी लाइन पर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो इस पर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। टैंजेंट का मतलब एक ऐसा लाइन जो जस्ट टच कर रहा है उस पर, टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस टैंजेंट के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट से चेक कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल से लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स यहाँ से निकलती हैं ऐसे और ये साउथ में जाकर के इंटर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से, मतलब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे पता करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ करूँगा तो टैंजेंट इधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे, इधर एरो है। यहाँ भी अगर ये लाइन है तो यहाँ देखना हो तो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ऐसे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे टैंजेंट के लॉन्ग ऐसे, यहाँ पर ऐसे, है ना। ये डायरेक्शन एक्चुअली में थोड़ा सा मैंने उल्टा बनाया है, ये ऐसे होना चाहिए, मतलब कि नॉर्थ पोल से लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये बाहर निकलती हैं और साउथ में इंटर करती हैं। अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि आयरन फिलिंग्स को अंदर भी रख सके तो यहाँ भी हमें दिखता है लाइन्स ऑफ फोर्सेज यहाँ भी आती हैं ऐसे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इस मैग्नेट के अंदर भी होती हैं क्योंकि अंदर भी
मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेट के अंदर लाइंस ऑफ फोर्सेस साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, जबकि बाहर में नॉर्थ से निकल करके साउथ में इंटर करती हैं। तो ये हमेशा ही एक क्लोज लूप बनाती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो ये सारी चीज़ें एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे इधर, तो यहाँ पर कंपास नीडल बनाया है, इसके बारे में मैंने जो भी समझाया था यहाँ लिखा है कि एंड ऑफ कंपास नीडल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेट के आसपास जो रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हायर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हायर विल बी मैग्नेटिक फोर्स। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि उसके हम लोग एक तरह से मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। जैसे यहां पर देखेंगे कि मैग्नेट के पास में यहां पर जो है आयरन फिलिंग्स का जो डेंसिटी है बहुत ही ज्यादा है, तो चूंकि यहां पर जो है फील्ड का स्ट्रेंथ भी यहां पर ज्यादा होगा इसीलिए डेंसिटी ज्यादा, वहां पर ज्यादातर आयरन चिपक गए हैं पास में यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर मैग्नेट्स पर फोर्स भी, आयरन फिलिंग जो है उनको फोर्स भी ज्यादा लगता होगा, ठीक है। तो ये कहा गया हायर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हायर विल बी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मतलब यहां तो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है, एक रीजन है ना, लेकिन एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी भी होता है जिसका अपना डायरेक्शन होता है, अपना मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी, और डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है तो उसको देखेंगे यहां पर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ के लिए क्या देखते हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी देखते हैं। जहां पर लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे डेंसिटी कम होता रहता है ना। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ऐसा कोई लाइन यहां पर है नहीं एक्चुअली में, वो तो आयरन फिलिंग्स को हमने यहां पर स्प्रिंकल कर दिया तो वो उनसे एक लाइन का पैटर्न दिख गया हमें, अदरवाइज स्पेस में ऐसा कोई लाइन हमें दिखता नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, किस लिए, हमें समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में है, वहां पर स्ट्रेंथ कितना है, ये समझने के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करते हैं, है ना। तो वो इमेजिनरी लाइन्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स ए टेंजेंट ऑन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन बताता है उसका, और साथ में डेंसिटी के हिसाब से उसका इंटेंसिटी भी पता चल जाता है। फिर टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स अराउंड मैग्नेट, तो मैग्नेट के आसपास हम लोग आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर देंगे तो क्या होता है, आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। तो जहां पर फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उनके पैरेलल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जब अरेंज कर लेते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखने लगता है। तो वही यहां पर बताया है आयरन फिलिंग्स पैटर्न अराउंड मैग्नेट। तो ये पैटर्न बताया गया है कि किस तरह से जो है आयरन फिलिंग अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल अपने आप को एलाइन करता है, उसके पैरेलल जो है जाकर के खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हमने सीखा यहां पर, कंपास नीडल के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में।
अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो है वो क्या होती है। ठीक, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की हम लोग अभी यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने का क्या और कोई तरीका है क्या, है ना। तो एक और तरीका है जो कि यहाँ पर बताया गया है, ये तरीका है ड्रॉइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विथ द हेल्प ऑफ ए कंपास नीडल। देखिए यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखा गया है और एक कंपास नीडल है जिसको कि यहाँ पर सपोज ये मैग्नेट रख दिया हमने हॉरिजॉन्टल टेबल पर और ये मैग्नेट भी हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख देंगे। ठीक है, तो ऐसा रखने से इसको थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट करके हम छोड़ देंगे तो ये अपने आप रोटेट करके जो है ऐसे कुछ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो देखेंगे जैसे ये कंपास नीडल है, इसका साउथ पोल यहाँ पर है और नॉर्थ पोल यहाँ पर है। ठीक, अब इसी नीडल को मैं आगे खिसकाऊंगा, इसका जो साउथ पोल है वो यहाँ पर रखूंगा जहाँ इसका नॉर्थ पोल था, है ना। ये इसी कंपास नीडल का अगला पोजिशन है, अगले पोजीशन में जो साउथ पोल है ये साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल पहले जहाँ था वहाँ पर रखना है। तो इसका साउथ पोल अब यहाँ पर आ गया इसके नॉर्थ पोल के पास। ठीक, और इसको क्या करेंगे, नीडल को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे फ्री घूमने के लिए। तो फ्री घूम करके इसका नॉर्थ पोल जो है हम लोग कहीं भी छोड़ सकते हैं, ये घूम करके अपने आप किसी डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाएगा। तो ऐसे अलाइन होने का मतलब यहाँ पर ये नॉर्थ पोल आ गया। फिर इसी नीडल को आगे खिसकाएंगे, इस नीडल का जो साउथ पोल है वो यहाँ पर रखेंगे और नॉर्थ पोल जो है उसको घूमने के लिए छोड़ देंगे फ्री। तो ये घूम करके वापस ऐसे अलाइन हो गया, तो इसका नॉर्थ पोल इधर आ गया। तो ये बार बार ऐसे इसका जो साउथ पोल है अगले वाले नॉर्थ की तरफ रखेंगे, तो इस तरह से साउथ नॉर्थ जो है इस तरह से ये जो नीडल है वो अलाइन होता जाएगा, है ना, इस तरह से। तो देखेंगे कि अगर नीडल इस तरह से कुछ अलाइन हो रहा है हर डिफरेंट पोजीशन पर, तो यहां पर हम लोग जब भी यहां रखेंगे तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर अगले पोजीशन वाले को लाइन से ऐसे मिला देंगे, साउथ नॉर्थ को मिलाते जाएंगे, स्मूथली मिलाकर आप देखेंगे तो ऐसा एक लाइन बनेगा। ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये तो हो गया बाहर, अंदर भी ऐसा होता है, हालांकि अंदर तो हम लोग नीडल रख नहीं सकते हैं लेकिन अंदर भी ऐसा ही होता है। जो कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। खास बात यह है कि किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल मतलब एक ही पोल हो, या तो नॉर्थ हो या साउथ हो, ऐसा कोई मैग्नेट होता नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें हजारों जो है एटम्स हैं। मैंने बताया था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, उनकी वजह से ये मैग्नेट बनता है। तो आप यहां से दो पार्ट में काट भी देंगे तो इसमें जितने एटम्स होंगे उनके हिसाब से ही नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएगा। फिर अगला पार्ट आएगा, उसमें भी खूब सारे एटम्स हैं तो वो भी अपना नॉर्थ साउथ क्रिएट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मैं कहता हूं कि ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल यहां पर है, साउथ पोल यहां पर है। अगर मैं इसको दो पार्ट में काट दूं, तो काट कर अलग कर दूंगा, तो इसी में एक साउथ पोल यहां आ जाएगा और इसमें एक नॉर्थ पोल यहां आ जाएगा। ये दो डिफरेंट मैग्नेट बन जाएंगे, भले इनका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, है ना, इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, साइज आधा हो गया तो स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ दोनों पोल आ जाएंगे। अगर मैं और छोटा कर दूं यहां पर, तो भी यहां पर साउथ नॉर्थ क्रिएट हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ और यहां भी नॉर्थ साउथ, इस तरह से। तो जितने भी आप टुकड़े करेंगे उसमें नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि ये मैग्नेट है, तो इसमें अगर मैं ऐसे डिवाइड करता चलूं, बहुत सारे पार्ट में बनाता हूं, तो देखेंगे जैसे यहां पर साउथ है तो यहां पर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, फिर यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि नॉर्थ पोल जो है वो यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है मैग्नेट के अंदर, वो नॉर्थ पोल के मोशन के डायरेक्शन में होता है। यहां क्या बताया गया देख सकते हैं, कि कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक,
अब डायरेक्शन कैसे पता करें, उसके लिए तरीका बताया, डायरेक्शन इज टेकन इन साइड मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर कैसे डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, इन द डायरेक्शन नॉर्थ पोल मूव्स। नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेट के अंदर, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिया जाता है। तो यहां देखिए कि नॉर्थ पोल जो है वो यहां पर है, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, इस तरह से नॉर्थ पोल इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहां पर वो लेंगे ऐसे, ठीक है। और बाहर जो है, अगर यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आया तो बाहर ये ऐसे निकलेगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन उल्टा तो होगा नहीं, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्लोज लूप बनाती हैं, है ना। यहां से बाहर से तो आया था, अंदर भी ये चल रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है वो क्लोज लूप बनाती हैं। ऐसा जो मैंने जो टुकड़े टुकड़े बनाया यहाँ पर छोटा छोटा, इसको आप छोटे छोटे कंपास नीडल भी मान सकते हैं। इनमें भी साउथ नॉर्थ आता था, इसमें भी साउथ नॉर्थ आता है, है ना। तो इस तरह से इनको भी उसी कंपास नीडल जैसे रिज्यूम करके मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उधर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जबकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकल करके साउथ में इंटर कर रहा है ना। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, सो फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ, है ना, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर इनटू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट की बाहर की बात करें तो नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं, जबकि मैग्नेट के अंदर क्या होता है उसको यहां बताया गया, इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, और इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व बनाती हैं। तो अगला स्टेटमेंट जो यहां लिखा गया है वो ये है, दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, वो बीच में टूटती नहीं है, मतलब उन दोनों एंड जो होता है उनका वापस एक जगह पर जुड़ जाता है तो क्लोज कर्व बन जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये एक प्रॉपर्टी हो गया कि ये क्लोज कर्व बनाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद रखना है, ठीक है। ये एक्चुअली में जो भी मैंने यहां पर लिखा है ये सारे ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, है ना, कि नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल में इंटर करती है मैग्नेट के बाहर, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं, ये क्लोज कर्व बनाती हैं। और इनसे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है या कम है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैल्यू यहां पर पता नहीं कर सकते, ठीक। तो यहां क्या बताया गया, हायर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस हायर विल बी द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, है ना, आप देखेंगे पिच जो है, थोड़ा देर पहले हमने लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किया था, जैसे ये लाइंस दिख रहा है तो एक लाइन मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां पर ऐसे ये ऐसे आया है ना, यहां पर फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है कुछ, तो ऐसे हजारों लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, सब में नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और साउथ पोल में इंटर करेंगे, यहां से इंटर करेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे। तो देखेंगे जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर ज्यादा क्लोज कर्व्स हैं, पास पास में कर्व्स हैं, वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ज्यादा होता है। जैसे यहां पर देखेंगे डेंसिटी बहुत ज्यादा, बहुत क्लोज क्लोज कर्व्स हैं, जैसे दूर चले जाएंगे ना तो यहां पर क्लोजनेस जो कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है। इतना बड़ा मैंने गोला बनाया, इस गोले में केवल दो लाइंस दिख रही है, यहां पर छोटा सा, इससे छोटा गोला उसके अंदर भी पांच लाइंस दिख रही हैं, है ना, मतलब यहां पर डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, यहां पर चूंकि डेंसिटी कम है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी हो गया कि डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, है ना। अच्छा, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया,
ये भी याद करने लायक है। मतलब कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो ये सारा चीज मेंशन करना है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें कहा गया है टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इट मीन्स एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि दो लाइंस, जैसे यहां पर देखेंगे कहीं भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर देती हैं, एक में ऐसे लाइंस जा रहा होगा, एक में ऐसे लाइन जा रहा होगा, तो मैंने क्या बताया आपको कि फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करने से फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो दो टेंजेंट आएंगे, एक तो टेंजेंट इधर आएगा और एक टेंजेंट इधर आएगा। टेंजेंट मतलब जो लाइन टच कर रहा है उसको, है ना। तो दो दो टेंजेंट आएंगे, तो दोनों टेंजेंट के अलावा एक एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जबकि हमें पता है किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, है ना। अगर मैं कहता हूं कि अगर यहां पर कंपास नीडल रखूंगा, तो अगर दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कंपास नीडल दोनों तरफ होना चाहिए, इधर भी इधर भी, हो नहीं सकता। नीडल तो एक ही है, तो एक ही डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है यहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे यहां पर एक लाइन है तो यहां पर डायरेक्शन दिखाना हमारे लिए आसान है, यहां भी डायरेक्शन दिखाना आसान है, लेकिन जब दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो हम बता नहीं सकते किधर जाएगा। इसलिए दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ दो दो टेंजेंट आएंगे, दो दो टेंजेंट आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन हो गए। दो दो डायरेक्शन होने का मतलब अगर मैं कंपास नीडल वहां रखूंगा तो वो दो डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, है ना, वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंटेड होना चाहिए, जो कि गलत है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। तो अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड दो एग्जांपल सोल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी में अनसोल्व्ड एग्जांपल के फॉर्म में दिए गए, ठीक। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है और इससे रिलेटेड जो थ्योरी हमें पढ़ा हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है, कहा गया है व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कोई बार मैग्नेट है, उसके पास में एक कंपास नीडल अगर ले जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कंपास नीडल है वो भी एक छोटा सा मैग्नेट है, जब दो मैग्नेट को पास में ले जाते हैं तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, चाहे अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, फोर्स लगता है, साथ में टॉर्क एक जो है फिजिकल क्वांटिटी होता है, है ना, टॉर्क भी लगता है, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए टॉर्क लगना जरूरी होता है और ट्रांसलेशन के लिए या रोटेशन के लिए भी, दोनों के लिए फोर्स लगना जरूरी होता है। तो यहाँ पर फोर्स और टॉर्क दोनों लगता होगा जिसकी वजह से ये घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं सिंस कंपास नीडल इज इटसेल्फ अ स्मॉल मैग्नेट, सो बार मैग्नेट एक्सर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंपास नीडल व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर बार मैग्नेट, दैट्स व्हाई इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है इसका जो सोल्यूशन है वो पहले से हमने थ्योरी में बताया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, है ना, ये बार मैग्नेट है तो इसके आसपास फील्ड लाइंस जो है कैसी होती है, कैसा बिहेवियर होता है वो यहाँ पर हमें दिखाना है, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्सेज नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और जाकर साउथ पोल में इंटर कर रही हैं। इनको हमें ऐसे करना चाहिए, इनको मिला देना चाहिए, क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो मैग्नेट के अंदर भी ट्रेवल करती हैं, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखेंगे नॉर्थ पोल से लाइंस फोर्स ऐसे निकलती हैं, यहाँ पर इंटर करती हैं और ये घूम करके आती हैं। अब ये जो है और ज़्यादा दूर से घूम करके आएगा, ये और ज़्यादा दूर से घूम करके आएगा ऐसे, ठीक है। उसी तरह से इधर से जो निकलेगा ऐसे घूम करके आएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इनके बीच का गैप बढ़ता जाता है, क्योंकि उधर जा करके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता रहता है, ठीक है। तो ये जो जो सीधा जा रहा है देखने में लग रहा है कि इन्फिनिटी तक जाएगा, ये काफ़ी दूर से जाकर घूम कर आ रहा होगा, ठीक।
और ये इन्फिनिटी से आकर के यहाँ पर इंटर कर रहा है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर होता है अगर कोई बाहर मैग्नेट रखा हो तो। कुछ और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे ये देखेंगे, इसमें पूछा गया है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, वैसे तो हमने थ्योरी में पढ़ लिया है, लेकिन एक बार यहाँ पर जो है जितनी प्रॉपर्टीज एक बार मेंशन करके यहाँ पर देखेंगे, है ना। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी बताया गया, दीज लाइंस इमर्ज आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर इन साउथ पोल। अगर हम बात करें बाहर की, तो मैग्नेट से बाहर लाइंस ऑफ फोर्सेज नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं। जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सारे जो है क्लोज कर्व होते हैं, ऐसे है ना, सब क्लोज कर्व होते हैं यहाँ पर। तो ये अगर बात करें बाहर मैग्नेट के बाहर, तो नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलेंगी और ट्रेवल करते हुए साउथ पोल में जाकर के इंटर करती हैं, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं, क्योंकि हमेशा ये क्लोज कर्व होते हैं। तो आगे बताया गया, दीज लाइंस ट्रेवल इनसाइड मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जबकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी है, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है, क्लोज कर्व्स होते हैं मतलब कि बीच में कहीं टूटा नहीं है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब यही हुआ कि टूटते नहीं है, जो अगर स्ट्रेट भी कहीं जा रहा हो तो भी बीच में गैप नहीं आना चाहिए, ब्रोकन नहीं होनी चाहिए लाइंस जो है, वो कंटिन्यूअस होती है हमेशा। तीसरी प्रॉपर्टी है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये बताया था कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पर जो है दो दो टेंजेंट आ जाएंगे अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो। और दो टेंजेंट आने का मतलब हुआ कि दो डायरेक्शन आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते। चौथी प्रॉपर्टी है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी पॉइंट पर अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसी पॉइंट पर इनकी डेंसिटी कम है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा। जैसे यहां पर देखेंगे कि जो पोल्स हैं, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, यहां भी डेंसिटी ज्यादा है स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, लेकिन इधर डेंसिटी कम है ना, तो इधर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो अगला एग्जांपल है इसी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्या कहा गया इसमें, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। मतलब ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो है फील्ड लाइंस पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक, अगर ये दो लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसी पॉइंट पर दो दो टेंजेंट आएंगे, एक इधर एक इधर, और दो टेंजेंट आने का मतलब कि दो दो डायरेक्शन हो गया फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। और दो डायरेक्शन हो नहीं सकते, किसी भी एक पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, क्योंकि नीडिल को आप रखेंगे कंपास नीडिल को तो केवल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो, है ना। तो फील्ड का डायरेक्शन एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, इसलिए दो टेंजेंट भी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इसका सोल्यूशन मैंने यहां पर लिखा है, इसको एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। कहा गया है, वी नो दैट टेंजेंट ऑन फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट अ सिंगल पॉइंट, इट मीन्स टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट।